अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर। फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स थे वो कवर कर लिए थे। आज हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ हम इसका शॉर्ट लेक्चर ये तैयार किया। जो लोग डीप स्टडी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर फंडामेंटल राइट्स पे होगा, पर वो वेरी डीप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड्स मीनिंग स्क्रीन के आगे आपके शो हो रहे हैं, इस वर्ड्स मीनिंग को आप रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें। तो इंशाल्लाह ताला एट द एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड होगा तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की वकैब बन जाएगी और कभी भी आप किसी आर्टिकल में मुश्किल नहीं पेश आएगी। वीडियो पॉज कर लें और ये लिख लें रजिस्टर के ऊपर ये जो अल्फाज हैं। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि लॉ इज कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। जितने कोई अगर कोई भी लॉ होगा अगर वो इनकंसिस्टेंट, अगर खिलाफ होगा किसके फंडामेंटल राइट्स को और इन डेरोगेशन, अगर यह फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा होगा जबकि तहकीर कर रहा होगा तो क्या होगा, वॉइड होगा। वॉइड से मुराद क्या चीज़ है कि वो बेअसर होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। अब अगला हम फंडामेंटल राइट देखते हैं जो कि आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 फंडामेंटल राइट क्या है, हर पर्सन को राइट हासिल है कि उसकी ओर हो मुल्क के अंदर। नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ लाइफ और लिबर्टी, किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 9 है और जो सिक्योरिटी है वो लॉ देगा, गवर्नेंस विद लॉ है। ये आर्टिकल 9 का था। आर्टिकल 10 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट किसी को अरेस्ट करने के लिए सेफ गार्ड है। ये आर्टिकल क्या कहता है, अगर किसी शख्स से कोई भी अगर जुर्म सज़द हो जाता है तो उसका एक उसको ये नहीं है कि बेजा उसे हबस में रखा जाए, ये है कि अगर उसे अरेस्ट कर लिया तो विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाए, लेकिन 24 घंटों के अंदर वो वाला वक्त शामिल नहीं होगा जो जेल से लेकर अदालत तक या मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक जाने के लिए वक्त सर्फ हुआ है। आर्टिकल 10 ये देख लेते हैं, ये राइट टू फेयर ट्रायल है। और वो अब जो शख्स भी अरेस्ट हो जाए उस पर कोई केस बन जाए तो उसे ये हक हासिल है कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए। फेयर ट्रायल मीन कि इंसाफ के साथ उसका फैसला किया जाए। आर्टिकल 11 है, ये राइट है कि स्लेवरी, गुलामी और फोर्स्ड लेबर ये सारी प्रोहिबिट हैं इन पाकिस्तान, और चाइल्ड जो अंडर 14 ईयर्स हैं वो फोर्स लेबर के अंदर आते हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट्स है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इसमें ये होता है कि अगर किसी शख्स ने माजी में उस वक्त एक जुर्म सरजद किया जब उस जुर्म के ऊपर कोई सजा नहीं थी तो बाद में उसको उस जुर्म पे सजा नहीं दी जा सकती, इट्स मीन रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसकी क्लास 2 देख लें कि फॉर एन ऑफेंस बाय पेनल्टी ग्रेटर देन, अगर किसी ऑफेंस पे किसी जुर्म पे एक सजा मुख्तस है कि इस पे इतनी सजा देनी है तो उस सजा से ज्यादा उसको सजा नहीं दी जा सकती। फर्ज करें किसी ऑफेंस में 2 ईयर्स की सजा फिक्स है, मैक्सिमम 2 ईयर्स है, तो उसको 3 ईयर्स की सजा नहीं दी जा सकती। इसको आर्टिकल 12 प्रोटेक्ट करता है उसकी राइट को। अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसके 2 पार्ट्स हो गए, अगेन डबल पनिशमेंट। अब पहले देखते हैं कि डबल पनिशमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी की, उसको एक बार सजा होगी कोर्ट से, अब उसको दोबारा उसी चोरी पे सजा नहीं दी जाती। और सेल्फ इनक्रिमिनेशन होता है कि अपने खिलाफ गवाही देना, किसी भी शख्स को उकसाया या मजबूर नहीं किया जा सकता, वो अपने ही खिलाफ शहादती बन जाए अदालत के अंदर। इसे कौन प्रोटेक्ट करते हैं, इसका फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोटेक्ट करता है। अब आर्टिकल 14 देख लेते हैं, ये किसी भी
इंसान की इज्जत को प्रोटेक्ट करता है, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, ये आर्टिकल है, तो इस पे जो बकायदा लॉ है डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 वो इसको प्रोटेक्ट करता है। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। डिग्निटी ऑफ मैन में उसकी घर की प्राइवेसी भी आ जाती है। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी इंसान को टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि वो कोई भी एविडेंस दे। आर्टिकल 15 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि हर शहरी को मूवमेंट यानी नकलो हरकत की आज़ादी है, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं भी जा सकता है और रह सकता है। फ्रीडम ऑफ असम्बली है, आर्टिकल 16 है, ये राइट देता है, फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम असेंबल हो सकें, हम असम्बली बना सकें। हाँ, जिस तरह धरने वगैरह होते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत होते हैं कि उनको फंडामेंटल राइट होता है असेंबली का। आर्टिकल 7 देख लेते हैं, आर्टिकल 7 क्या है, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो अंजुमने बनती हैं या तंजीमें बनती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, वो आर्टिकल 7 के तहत उनको प्रोटेक्शन हासिल होती है कि वो एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। जिस तरह अंजुमन ताजरान है, इस तरह वकला की अंजुमन हैं, इधर जितनी भी अंजुमन बनती हैं वो सारी आर्टिकल 17 के तहत आती हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 18 को। ये आर्टिकल 18 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का, वह फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन। हर इंसान को फ्रीडम है कि ट्रेड के तजारत कर सके, कोई भी बिजनेस कर सके और कोई भी प्रोफेशन अपना सके। लाइक किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक मखसूस काम करे, हर इंसान फ्री है कि फ्री ऑफ कंसेंट कोई भी काम कर सकता है पाकिस्तान में जो लीगल हो। आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर इंसान को फ्रीडम है कि इजहार राय करने का, लेकिन इसके अंदर वो पाकिस्तान की सलामती और डिफेंस के खिलाफ नहीं बोल सकता, अदालत की तोहीन नहीं कर सकता और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसकी रिस्ट्रिक्शन के अलावा वो कुछ भी बोल सकता है। अब आर्टिकल 19 ए है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जितने भी सिटीजन हैं इनका राइट है कि इनको इन्फॉर्म किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए पब्लिक पुलिसिस से, हुकूमती जो फैसले आते हैं उनसे इनको इन्फॉर्म रखा जाए। आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हर इंसान को आज़ादी है कि वो कोई भी मजहब अपना सके और अपने मजहब के दार को मैनेज कर सके या चला सके, तरवीज दे सके। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है, ये सेफ गार्ड है, ये फर्ज करता है किसी अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल जो 21 है ये फंडामेंटल राइट है हर बंदे का कि वो उसे वो टैक्स नहीं पे करेगा अगर उसका जो टैक्स है वो किसी दूसरे मजहब की तरवीज में का लगाया जा रहा है। जिस तरह ईसाई टैक्स पाकिस्तान में इसलिए नहीं पे कर सकते कि मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनाए जाएं, या मुसलमान टैक्स इसलिए नहीं पे कर सकते इस चीज़ के लिए मखसूस के किसी और मजहब की कोई इंस्टीट्यूशन बने। आर्टिकल 22 है, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका जो है ये राइट है उसमें उसके मेंबर्स का भी कि उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो एक मखसूस रिलीजियस जो है एक किसी अपने मजहब को छोड़ के दूसरी मजहब के जो है सेरेमनीज हैं या उनकी जो इबादत हैं, जिस तरह नमाज है किसी ईसाई को नमाज के लिए नहीं फोर्स किया जा सकता और किसी मुसलमान को चर्च में जाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23 है, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट्स देता है कि आप प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कहीं भी रख सकते हैं और बेच सकते हैं। आर्टिकल 24 है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है, ये किसी भी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 25 है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, किसी भी सिटीजन के साथ जेंडर बेस पे
नारवा शुरू नहीं किया जा सकता। और जो ये है आर्टिकल, ये शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेश, ये जो आर्टिकल है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये इस चीज से नहीं रोकता कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं। आर्टिकल 25A देख सकते हैं, ये राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल हमारा राइट है कि 5 से लेकर 16 एज तक हमें फ्री एजुकेशन मिले। अब आर्टिकल 26 है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, तो फ्री करना, फ़र्क करना, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं ये इस बेस पे आप किसी भी को पब्लिक प्लेस के अंदर जाने से नहीं रोक सकते कि वो गैर मजहब का, उसकी कास्ट कोई और है, उसका जेंडर कोई और है, या रेजिडेंस या उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई और है। इन ग्राउंड्स के ऊपर आप उन्हें नहीं रोक सकते कि वो पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। ये उनका प्रोटेक्ट है हर सिटीजन का कि वो पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकें। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 है सेफ गार्ड है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, कि आपको अगर कोई पब्लिक सर्विस है पाकिस्तान में, कोई भी जॉब आती है पब्लिक की, तो उसमें आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको हटाया नहीं जा सकता, आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता रेस की बेस पे, नस्ल की बेस पे, रिलीजन मजहब की बेस पे, कास्ट आपकी जात की बेस पे, आपके जेंडर की, और आपके रेजिडेंस जहां आप रहते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ जहां पैदा हुए, इस बेस पे आपको रोका नहीं जा सकता। लास्ट है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि कोई भी सिटीजन है उसको राइट हासिल है कि वो जिस इलाके में रहता है वो अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को फ़रोग दे और उसके ऊपर कोई अदारा बना सके, तो वो आज़ाद है, वो कुछ, वो अपनी जो है लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बका के लिए कुछ भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अ वेरी